नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ होती है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक बहुत अच्छी लाइन है, ये मानव जब तू जग में आया था तो सारा जग हंसा पर तू रोया था। तुम इस जग में रहकर कुछ ऐसा कर कि जब तू इस जग से जा तो सारा जग रोए और तू हंसता जा, हंसता जा, हंसता जा। बहुत खूबसूरत लाइन है दर्शकों। ऐसे में हजरुन्निसा उस मां का नाम है जिन्होंने डॉक्टर एमएस परवाज को जन्म दिया है। डॉक्टर एमएस परवाज जिला का जाना माना नाम है, जाना माना समाजसेवी है, गरीबों का आंसू पोछने वाला बंदा है। कलकत्ता का रहने वाला आज सोनो में आकर अपनी कर्म भूमि बनाते हुए एक अलग पहचान बनाई। जैसा कि डॉक्टर एमएस परवाज लगातार आप देखते हैं समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, ऐसे में अपनी मां की याद में उन्होंने 1500 कंबल गरीबों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न गांव में बांटने की अपने निजी कोष से योजना बनाई। आज भी कई गरीबों को साड़ियां कंबल उन्होंने वितरण किया। ऐसे में कई पंचायतों में जाकर जो गरीब लोग हैं उन लोगों को चुन चुन कर कंबल और साड़ी देने का काम करे। जिस तरह से हजरुन्निसा उनकी मां का नाम है, उनकी याद में डॉक्टर एमएस परवाज समाज सेवा में एक अलग मां की याद में जो सेवा करते हैं वो अतुलनीय। हम अपने चैनल के माध्यम से भी तमाम उन संपन्न लोगों से आग्रह करेंगे कि यदि सचमुच आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है तो निश्चित रूप से गरीबों का आंसू पोंछने का काम करें और गरीबों की मदद करने का काम करें। देखिए वीरेंद्र कुमार की बहुत ही खास है कि पूरी जमुई जिला में 1500 कंबल मैं अपने निजी कोष से, जो हमारी निजी कोष है जिसके वजह से हम ये कर रहे हैं, बांट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि माँ का चला जाना एक बहुत बड़ा हमने खोया है और माँ का चला जाना दुनिया के सब कुछ लूट जाना है। मुझे लगता है कि ईश्वर हर आदमी को ऐसे ही औलाद पैदा करे, सब लोग, और सब लोगों को मैं विनती पूर्वक कहना चाहूँगा कि जिसकी माँ नहीं है आज वो समझ में आ रहा है कि माँ की इम्पोर्टेंस क्या है, और जिसकी माँ है मैं कहना चाहूँगा कि आप एक धरोहर हैं और आपने जो माँ को पाया है ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने अपनी माँ को खोया है और माँ को जब मैं खोया है तो मैं चाहता हूँ कि इनकी स्मृति में हमारी जो भी योजनाएँ हैं हम निजी कोष से करेंगे। इन साल जितनी भी आदिवासी भाई बहना हैं उसमें जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी सोहराय है, उनके लिए साड़ी की व्यवस्था की गई है, कंबल की व्यवस्था की गई है, जो ऐसे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो क्रिसमस डे पर, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था की गई है। और यह हमारी योजना इस महीने तक की है, पूरा कर देना है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि भगवान हमसे ये काम ले रहे हैं और काम लेना भी चाहिए। और मैं फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माँ को ईश्वर स्वर्ग में ऊंची से ऊंची जगह दे ताकि मेरी माँ को इत्मीनान मिल सके। और मैं फिर आग्रह आपसे विनती पूर्वक करना चाहूँगा कि हर बेटा अपनी माँ के लिए कुछ करे और ये होना ही चाहिए क्योंकि गरीबी ने झकझोर दिया इंसान को। जय हिंद, जय भारत। अधिकार की पब्लिक राइट्स एसोसिएशन की एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और ये पूरी बिहार राज्य में, हम प्रेसिडेंट हैं बिहार राज्य के और बहुत ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अभी बनाए जा रहे हैं, अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और मैंने शुरुआत इसी बैनर के नीचे काम करने का किया है। और मैंने वैसे गरीब वैसे लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारी संस्था करेगी जो पब्लिक एसोसिएशन, राइट्स एसोसिएशन के तहत जाना जाता है और ये सरकार से मान्यता प्राप्त है और सरकारी मान्यता प्राप्त है। और मुझे सौभाग्य है हमारी कि हम प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं बिहार राज्य के। हम चाहेंगे कि हर ज़िले में अलग अलग अध्यक्ष बनाकर और ऐसे काम का अंजाम दिया जा सके। धन्यवाद सर। इस प्रवास सोनो से,
सोना के समाज सेवी भी हैं, डॉक्टर भी हैं। ये सर फोरम कब से चला रहे हैं सर आप? ये कई सालों से चलता रहा था, तो कई सालों से दाता थे कुछ लोग, मगर कुछ लोग अब दाता नहीं रहे, क्योंकि अब यहाँ रहे नहीं हमारे गुरुजी अभी हम बाहर हैं। तो मैंने अपने कोष से ही हमने व्यवस्था किया है और ये हमारी अपनी निजी पैसा है। क्या क्या अभी हो रहा है वितरण सर? अभी तो कंबल की वितरण चालू हुई है, साड़ी की वितरण चालू हुई है, नन्हे मुन्ने बच्चों की कपड़ा चालू हो रही है जो सोहराय के लिए है, और ठंडी में कड़ती ठंडी में है हमारी पूरी टीम जाएगी स्टेशन, और स्टेशन पर जाकर उन गरीबों को, उन दलितों को, जो लोग ऐसे सोए हुए हैं, उनको ये ओढ़ाते हुए रात में हम लोग जाएंगे, और ताकि ये साइलेंट वर्क हो सके। ये आपने निजी कोष से करने के लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? देखिए, सबसे पहले ये प्रेरणा तो सबको ही मिलनी चाहिए। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जो हालत बना दिया गया है कोरोना की, जो हालत कोरोना से जो अभी तक टूटे हुए लोग हैं वो अभी पनप नहीं पाए हैं, उनके हालात बहुत गंभीर है। और इंसान को चाहिए ही कि जो आदमी कमा रहा है, ईश्वर दे रहा है, जायज़ कमाई अगर है, तो वो सबसे पहले बांटने की प्रयास करे, उन गरीबों में बांटने की प्रयास करे, ये उनका दायित्व बनता है, दायित्व बनती है। क्योंकि मैंने भी गरीबी से झेला है और बहुत गरीबी से उठा है। धन्यवाद।